चीन और पाकिस्तान के साथ साथ नेपाल भी उन देशों में आ चुका था जिसके साथ भारत के रिश्ते बेहद खराब हो चुके थे। और रिश्ते तो इस कदर खराब हो गए थे कि नेपाल तो भारत की जमीन को अपना बताने लगा था। यहाँ तक कि सीमा पर नेपाल ने फायरिंग भी कर दी थी जिससे एक भारतीय की जान भी चली गई थी। लेकिन इन सबके बावजूद एक बार फिर भारत बड़ा दिल दिखाते हुए बड़े भाई की तरह नेपाल की मदद करने के लिए आगे आया है। कोरोना महामारी के इस दौर में कई देशों की मदद कर चुकी मोदी सरकार इस बार नेपाल की मदद के लिए आगे आई है। कोरोना से जूझ रहे नेपाल को मोदी सरकार ने रेमडेसिविर दवा की 2000 शीशियां भेजी हैं, जिससे नेपाल कोरोना का मुकाबला कर सके। नेपाल में भारत के राजदूत विनय एम क्वात्रा ने नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली को रेमडेसिविर दवा की ये शीशियां भारत की ओर से भेंट की हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि कोरोना काल में भारत सरकार ने नेपाल की मदद की है। इससे पहले 9 अगस्त को भारत ने नेपाल को ICU वेंटिलेटर भी गिफ्ट किया था। साथ ही 17 मई को RT-PCR मशीन भी दी थी जिससे नेपाल सरकार लोगों का COVID-19 टेस्ट कर सके। वही नेपाल जब भारत की जमीन को अपना बनाने के लिए नक्शा जारी कर रहा था तो उस वक्त भी भारत सरकार ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए पैरासिटामोल और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा दान दी थी। भारत हर हाल में पड़ोसी देश नेपाल की मदद करता रहा है, लेकिन नेपाल ने हाल ही में भारत के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए भारत के 3 हिस्सों को अपना बता दिया था। नेपाल के नए नक्शे में लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी पर अपना दावा किया था, जबकि ये तीनों ही क्षेत्र भारत के क्षेत्र में आते हैं। इतना ही नहीं, नेपाल के PM KP शर्मा ओली ने तो भगवान राम को ही नेपाली बता दिया था और साथ ही भारत की अयोध्या को नकली बताया था, जिसके बाद भारत की ओर से नेपाल के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला था।